मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि आप एक आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप जिनको आशीष देंगे, आप जो बोलेंगे वही होगा। आपके मुंह में पावर है, आपके बोलने में पावर है। मेरे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोस्तों, चलिए हम आप लोगों के साथ एक वचन को शेयर करते हैं। नीति वचन अध्याय 18 पद संख्या 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी पाप अपराध नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है कि आपके जीव में पावर है। यदि आप हर समय अच्छा बोलेंगे, आप जो बोलेंगे वही होगा। आपके जीव में पावर है। प्रभु बोलता है, जो भी उसको यूज में लाना जानता है, इस्तेमाल करना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। मेरे दोस्तों, यदि आप अपने मुंह का इस्तेमाल अच्छा बोलने में करते हैं, हर समय अच्छा ही बोलते हैं, कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा कोई समस्या नहीं आएगा। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आता है, यदि आप बोलते हैं कि यह समस्या है, तो आपके जीवन में वो समस्या आएंगी। लेकिन यदि आप बोलते हैं कि मेरे जीवन में यह समस्या नहीं आ सकती, तो आपके जीवन में वो समस्या नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, आपके मुंह में पावर है। आप लोग अपने मुंह पर कंट्रोल रखें, कोई गलत लैंग्वेज या कोई नेगेटिव बात अपने मुंह से ना बोले, क्योंकि आपके मुंह में ही जीवन मृत्यु दोनों है। आप किसे चुनते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन ये कहता है कि जब आप अपने मुंह पे कंट्रोल रखेंगे, तो आप उसका फल भोगेंगे, आपके जीवन में आशीष ही आएंगे। मेरे दोस्तों, यदि अच्छा आप बोएंगे तो अच्छा ही काटेंगे। इसलिए आप हमेशा अच्छा ही बोले, दूसरों को आशीष दे, तो आपके जीवन भी आशीष आएंगे। मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु क्या बोले थे इब्राहिम को, कि जो तुमको श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा, जो तुमको आशीर्वाद देंगे मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। मेरे दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु यीशु के आदमी बन जाते हैं, प्रभु यीशु के भक्त बन जाते हैं। जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो मेरे दोस्तों, तो प्रभु हमसे प्रेम करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, यदि आपको कोई भला बुरा बोलेगा, तो प्रभु उनको श्राप देंगे। लेकिन यदि आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, यदि आप दूसरों को आशीष देंगे, तो प्रभु उनको भी आशीष देगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग एक पावरफुल इंसान हैं। आप लोग अपने मुंह पे कंट्रोल रखें, आप हमेशा अच्छा ही बोलें, नेगेटिव बात कभी ना बोलें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।